पूर्वी बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय सह अस्पताल के साथ अब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हो चुका है। अस्पताल की ओपीडी सेवाएं भी प्रारंभ कर दी गई है और इसका उद्घाटन शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई नेता, विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो बरारी के पास एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है और कल इसका उद्घाटन 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी करेंगे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी रहेंगे। ये उद्घाटन का समय जो है वो 4 बजे शाम को है। वो फ्लाइट से 3:25 पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें स्वागत करते हुए जो उद्घाटन स्थल पर लाएंगे। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये इस एरिया के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। जो पूर्णिया से लेकर के इधर मुंगेर, इधर मिर्जा चौकी और इधर गोड्डा तक ये सारे एरिया को ये कवर करेगा। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि नेफ्रो है, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है, ट्रॉमेटिक सर्जरी है और जेरियाटिक्स है। जेरियाटिक्स एक नया ब्रांच है जिसमें कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी बीमारी और उनका जो एज के कारण जो उनको परेशानी है उसका इलाज होता है। कार्डियो डिपार्टमेंट बहुत ही राइजिंग डिपार्टमेंट है। जैसे आज सुनते होंगे कि कहीं पेसमेकर लगाया जाता है, उसके लिए बहुत खर्च हो जाता है। अगर एंजियोप्लास्टी हो या फिर स्टंट डाला जाए, ये सब के लिए बहुत अधिक खर्च हो जाता है। और ये सारी व्यवस्था भागलपुर में जो सरकारी रेट पर या मिनिमम रेट पर सब किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 200 बेड है। 200 बेड के अलावे इसमें 100 बेड तो जनरल बेड है, 40 आईसीयू है और 8 ओटी है। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा समीक्षा भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के 25 शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने समाज निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उसका हौसला अफजाई भी की। वहीं सम्मानित शिक्षकों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कार्य को जारी रखने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त भागलपुर की 2 शिक्षिकाओं को भी पटना में शिक्षा मंत्री द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। आज शिक्षक दिवस है, उस अवसर पर मेरे तरफ से समस्त शिक्षकों को शुभकामनाएं और बधाई। खास करके हमारे शिक्षा विभाग की टीम ने कुछ शिक्षकों का चयन किया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा उल्लेखनीय योगदान रखा है। उन सभी शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है। करीब 25 शिक्षक हैं और साथ ही मैं अपने शिक्षा विभाग की टीम को बधाई देता हूं कि यहां से राज्य स्तर पर भी हमारे 2 शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी बात है भागलपुर के लिए और मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना बेहतरीन बनाएँ कि हमारे बच्चे इस जिले में ही नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश एवं विदेश में अपना नाम रोशन करें। भागलपुर के जवारीपुर स्थित वृंदावन हॉल में शहीद जगदेव प्रसाद की श्रद्धांजलि सभा सह कुशवाहा मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता टीएनबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आरपीसी वर्मा ने की और दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। वहीं मंच का संचालन कार्य डॉक्टर पवन ने संभाला। इस विशेष अवसर पर पूर्व न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर सतीश और अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं समारोह में दिल्ली, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, रांची, मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब 1000 कुशवाहा बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में शहीद जगदेव बाबू के संघर्ष और समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के उनके प्रयासों को याद कर नमन किया गया। समारोह में उपस्थित डॉक्टर, प्रोफेसर और कुशवाहा समाज के वरिष्ठ अधिकारियों ने समाज को सशक्त करने और हर क्षेत्र में तरक्की की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने विचार साझा किए। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज की भूमिका पर भी गहन चर्चा की गई, जिसमें समाज की सक्रिय भागीदारी और सजगता पर जोर दिया गया। देखिए, सबसे पहले चीज है कि हमारे जगदीप बाबू के जो भी उन्होंने अपने समाज के लिए किया है, उनके योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कुछ विशेष दिन चुना। आज ही के दिन मतलब 5 सितंबर को ही उनका शहादत दिवस है, इसलिए हम लोगों ने ये एक दिवस को चुना। उनके आदर्शों को, जो भी उन्होंने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, उस पर हम लोगों ने एक मंथन किया। हम लोग अपने कुशवाहा समाज को एकजुट करने का, एक मंच में लाने का, और हम लोग का एक सोच हो, हम लोग एक सोच के साथ आगे बढ़े, तो हम लोग का कुशवाहा समाज का जरूर उत्थान होगा और हम लोग कोई भी काम करना चाहेंगे, लगता है उस दिशा में हम लोग जरूर सफल होंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना था कि गंगा और कोसी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कटाव पीड़ितों को पुनर्वास योजना के तहत जमीन अधिकृत कर बसाया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यह मांग भी की कि जिस प्रकार दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, उसी तरह बिहार सरकार भी भागलपुर में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए। स्टेशन परिसर से निकल करके शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यहां तक पहुंचा है जिला पदाधिकारी के मुख्य द्वार पर। हमारी मांगे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको अविलंब राहत मिले और उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो, जो कटाव पीड़ित है उनको भी पुनर्वास की व्यवस्था हो। हमारी मांग है कि जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए। एनटीपीसी में जो 11 कोयला मजदूरों को सरप्लस किया गया है उसे काम पर लिया जाए। हमारी मांगे हैं कि जो दो बेदखल भूमिहीन लोग हैं उनको दखल दिलाया जाए, उनको पर्चा दिया जाए। हमारी मांगे हैं कि बुनकरों को 25% छूट देकर करके उनसे बिजली बिल लिया जाए। इसके अलावा हमारी 25 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के हमारा आज यह प्रदर्शन हुआ है। साकुंड प्रखंड के दरियापुर बौर गांव में 50 वर्षों से अधिक समय से बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे भूमिहीन महादलित परिवारों को अंचल पदाधिकारी द्वारा घर हटाने का नोटिस जारी किया गया है। इन परिवारों में से एक स्वर्गीय आनंदी पासवान की पत्नी को 15 वर्ष पूर्व इसी जमीन पर इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था। हाल ही में मुखिया द्वारा उस जमीन पर कूड़ा कचरा केंद्र बनाए जाने का प्रयास किया गया था, जिसे महादलित परिवार और आनंदी पासवान की पत्नी ने विरोध किया। इसके बाद सीओ और बीडीओ द्वारा इस कार्य को रोक दिया गया था। अब उसी जमीन पर रह रहे भूमिहीन महादलित परिवारों को अंचल पदाधिकारी ने जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिससे उनकी बेघर होने की चिंता बढ़ गई है। इन परिवारों ने मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार, जिला पदाधिकारी 3 डिसमिल जमीन देकर बसाया जाए ताकि वे बेघर होने से बच सके। अधिकारी और अंचल पदाधिकारी से अपील की है कि उन्हें इस दौरान दर्जनों भूमिहीन महादलित परिवार मौजूद थे। किसके जमीन पे रह रहे हैं आप लोग? बिहार सरकार जमीन पे रह रहे हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं? बहुत दिन से। 50 वर्ष से ऊपर से रह रहे हैं आप लोग। तो क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? यहाँ से बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या भाग जाइए यहाँ से। कौन? मुखिया वार्ड। क्यों कर रहा है? बोल रहा है कूड़ादानी बनाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे बगल में? कूड़ादान बना रहा है। हाँ, तो अब क्या आया है आप लोगों? अब लोग आया है नोटिस। कहाँ से?
साकुंड से अंचल से हाँ। क्या कहा है? बोला क्या ना आ जाइएगा नोटिस पर तो भगा देंगे यहाँ से, घर खाली कीजिए। तो आप लोग कहाँ रहिएगा? हम लोग कहाँ रहेंगे, रोड पर जम लगाएंगे। नगर आपकी कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई ना किया तो हम लोग कौन सी करेंगे। बोला साकुंड गया तो बोला क्या जाइए यहाँ से, बाप का जमीन है, भगा दिया। हाँ कागज बिक दिया। आप लोग भूमिहीन है? हम लोग भूमिहीन है, महादलित परिवार है। हाँ कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ बहुत 25-30 घर है। 30 घर है।